नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप सबके इस अपना YouTube चैनल नॉलेज G24 में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में देखिए, हम बिल्कुल 100% आपको यहां पे इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि सारे टॉपिक जितने भी हैं मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है बार्क NRB एग्जाम के लास्ट टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे अभी 6 से 7 दिन बचा हुआ है, तो इस 6 से 7 दिन या 5 दिन के अंदर कैसे तैयारी करें ताकि आपका यहाँ पे एग्जाम क्रैक हो जाए। उससे पहले यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं 100% ये तो मिलेगा ही, उससे पहले देखिए आपको छोटी सी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेंटर देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, AC पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्लॉट नंबर 17, सेक्टर खरघार, नवी मुंबई, ठीक है। यहाँ पे जिनका भी सेंटर पड़ा हुआ है तो वो इस नंबर पे देखिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये पहले से ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। पहले इनका हो चुका था जो कि स्किल टेस्ट में जाके रिजेक्ट हुए हैं, ये सेकेंड अटैम्प्ट हैं। तो आप लोग इनसे मिलकर बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। इनका नंबर है 6234584 57। जी हाँ फ्रेंड्स, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका भी सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट मॉक इंटरव्यू भी करवाने वाले हैं, जो सेलेक्ट वहाँ पे होंगे उनसे इंटरव्यू भी करवाने वाले हैं वहाँ पे, और किस प्रकार इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है ये देखिए पिछले बार भी हम किए थे और इस बार भी देखेंगे कितना चेंजिंग होता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर तो आप लोग को कुछ यहाँ पर जो जैसा कि लिखे हुए ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम 3 से 4 बातें जरूर याद रखना है। सबसे पहले अगर आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड आपको ज़रूर लेना है, ठीक है, एडमिट कार्ड। उसके बाद सैनिटाइज़र, ये सारा देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है सैनिटाइज़र। और उसके बाद 2 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। और सेकेंड की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो वो है आपका ओरिजिनल कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, ये सारा आपको लेके जाना है। और बिल्कुल अभी आपको यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लगने वाले हैं। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो PT एंड एडवांस का कट ऑफ किस प्रकार रहता है, आप सभी को सिलेबस के बारे में पता है, हम पहले से ही इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाए हुए हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी बनाए हुए हैं। 100% आपका क्या होगा, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हम सारे कुछ बताए हुए हैं। अब अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले 3 फेज में इसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए स्टेज 1, 2 एंड 3, 3 स्टेज आप जब क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। लास्ट में फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। फर्स्ट एग्ज़ाम को प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलते हैं, जिसमें कि आपको 20 मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 10 आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है वो जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, एडवांस का जो टेस्ट इसका होने वाला है, सेकेंड स्टेज एडवांस का, इसका जो यहाँ पे सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। 20 यहाँ पे मैथ के रहने वाले हैं, ठीक है, 20 यहाँ पे फिजिक्स के रहने वाला है, और 10 यहाँ पे केमिस्ट्री का रहने वाला है, और ये सारा का 10th स्टैंडर्ड लेवल रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए अगर सिलेक्शन आपको इसमें लेना है तो इसके लिए कट ऑफ क्या जाता है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो नॉर्मल कट ऑफ की अगर हम बात कर ले, जो कि स्टिपेंडियरी का जो कट ऑफ जाता है स्टेज 1, ठीक है, एंड 2, कैटेगरी 1 एंड 2, तो इसमें देखिए कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स रहने वाले हैं, और 3 मार्क्स, ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो उसमें से 1 क्वेश्चन आपका हटा दिया जाएगा, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाला है। इसमें से आपको यहाँ पे जो नंबर कट ऑफ लाना है वो देखिए कुछ इस प्रकार आपका कट ऑफ रहना चाहिए। 50 क्वेश्चन है तो 50 में आपका मिनिमम यहाँ पे 38 आना चाहिए। देखिए इसका फर्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइंग मात्र 40% दिया हुआ है। कभी काल क्या करते हैं 40% से ही ले लेते हैं जनरल के लिए, और कभी काल इसका जो होता है वो क्या करते हैं कि इसका कट ऑफ अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट चले गए तो उसके आधार पे कट ऑफ बनाते हैं। तो इसलिए आप लोग PT1 में अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चन अगर सही बना रहे हैं तो उसके बाद आप लोग बिल्कुल निगेटिव मत कीजिएगा, आपका 100% एडवांस के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले एडवांस के लिए, तो उसके लिए देखिए कुछ इस प्रकार क्राइटेरिया दिया हुआ है। स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको यहाँ पे मिनिमम कम से कम कट ऑफ लाना है
44 क्वेश्चन आपको सही बनाने हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो 44 आप लोग कर सकते हैं, 132 या 136 के बीच में आप लोग 132 से लेकर 136 के बीच में अगर ला रहे हैं तो 100% आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसे एक दो नंबर ज़्यादा करके आपको मेरिट लिस्ट में भी यहां पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पे आप लोग समझ सकते हैं। अब थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें से आपको जो स्टेज वन स्टेज टू क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए स्टेज थ्री के लिए एक कट ऑफ निकाला जाता है, उसमें अगर आप लोग आ रहे हैं जैसा कि हम अभी बताए हुए हैं तो आपको यहां पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए क्या किया जाएगा कि आपको ईमेल कर दिया जाएगा, आप लोग प्रॉपरली ईमेल चेक करते रहिएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो। अब देखिए स्टेज थ्री जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा तो आपको कुछ यहाँ पे हम जो स्टूडेंट के बारे में बताए वो अगर एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उनसे डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटरव्यू करवाएंगे अपने चैनल नॉलेज E24 पे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसके लिए क्या करेंगे कि उनसे इंटरव्यू करवाएंगे और उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया स्किल टेस्ट में। देखिए स्किल टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन फिर भी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें रिजेक्ट होते हैं, तो इसलिए आप लोग इस पर भी बिल्कुल ध्यान दीजिए और 100% हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। अब देखिए अगर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जैसे ही आप लोग स्किल टेस्ट के लिए भी अगर क्वालिफाइड हो रहे हैं तो उसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। एट ए टाइम उसी टाइम आपका स्किल टेस्ट हुआ उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए इन स्टूडेंट का गलती क्या हुआ है, ठीक है, इन स्टूडेंट का कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किस प्रकार होता है ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने सभी व्यूअर्स को भी यहाँ पर बता सकें। तो इनका डॉक्यूमेंट्स में क्या हुआ है कि जिस टाइम फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पासिंग ईयर इनका गलती हो गया और 12 का परसेंट जो है वो 88.8 के जगह पे इनको 88.5 दे दिया गया। अब इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या नहीं, ये आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हैं वो मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम भी अपने सारे व्यूअर्स को इससे रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकें। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग एडमिट कार्ड का जो आपका सेंटर दिया हुआ रहेगा वो आप लोग ज़रूर दिखाइएगा, जैसे ही वो आप लोग दिखाइएगा तो बिल्कुल आपको वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो क्या होता है कि इसका जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड जो होता है एग्ज़ाम वो एक ही दिन में हो जाएगा लेकिन इसमें क्या होता है कि सेंटर बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर साइकिल बोर्ड में नहीं दिया गया, ठीक है, ये दूसरे जगह सेंटर दिया जाता है। स्किल टेस्ट जब भी होगा तो वो आपको मुंबई के बार्क में ही हर हमेशा होगा। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि सेंटर का लिस्ट, ठीक है, उसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप लोग बिल्कुल फाइंड करके पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अभी भी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका कुछ भी एक्सपीरियंस अपना है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए ताकि उसका सॉल्यूशन हम खोज पाए और आप सबके बीच शेयर कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।